शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुश्किल में, मुसीबत में, मुसर्रत में, खुशी में, मैं तेरी रजा पर ही फकत नाज करूंगा। हर वक्त में, हर हाल में, हर काम से पहले मैं नाम तेरा लेके ही आगाज करूंगा। वया ततम विश्व मनुष्य रूप है, वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांक है, प्रजापति स्वं प्रपीता महस्य, नमो नमस्ते स्तु सहस्त्र कृत्व पुनश्च भूयापि नमो नमस्ते। गोपाल गिरिवर धारिणम श्री कृष्ण नमो नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। सत्यन। यस कैप्टन। मेरी बच्ची बहुत खुशनसीब पैदा हुई है। 10 लाख रुपए का माल लेकर कामयाबी के साथ घर लौट रहा हूँ। याद रखना, राजकुमारी की तरह जिंदगी बिताएगी वो। वो तो ठीक है कैप्टन, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे होते हुए तुम्हें आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए था? अगर भाभी को मालूम होगा तो गजब हो जाएगा। पहली बात तो उसे पता ही नहीं चलेगा सत्यन, और अगर पता चल भी गया तो क्या होगा? नाराज हो जाएगी, 2-4 दिन बात नहीं करेगी, 7-8 दिन खाना नहीं खाएगी, और क्या। कैप्टन, जहाँ तक भाभी को मैं समझ पाया हूँ, वो खाना खाए न खाए एक दिन जहर जरूर खा लेगी। सत्यन, मैं इस वक्त जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका हूँ जहाँ से लौटना नामुमकिन है। आज जिंदगी में मेरा एक ही मकसद है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिरा हुआ और नीच काम भी कर सकते हो। गीता, मैंने तुमसे प्यार किया, अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर तुमसे शादी की, तुम्हें अपना भगवान माना। एक बार भगवान की पूजा करना भूल जाती थी, लेकिन तुम्हारे चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाना कभी नहीं भूली। और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ज्यादा बकवास मत करो, एक बात कान खोलकर सुन लो गीता, आज से इस घर में तुम वैसे ही रहोगी जैसे मैं रखूंगा, वरना चली जाओ, जरूर जाऊंगी। मैं इसी वक्त तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। तुमने अभी जिस लड़की की जिंदगी और इज्जत छीनी है, वो भी तो किसी की बेटी होगी, और मैं नहीं चाहती कि तकदीर उस बदनसीब का बदला मेरी बेटी से ले। चली जाओ यहां से। कैप्टन। यस कैप्टन। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, आप ही के पास रहेगी। बहन, जरा बच्ची को संभालना, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूं। ओ गॉड, व्हाट अ ट्रेजेडी। उस बदनसीब बाप पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा। कैप्टन, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। 5 साल गुजरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कैप्टन, गंगा कैप्टन।
गंगा, गंगा क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं क्या हुआ? कैप्टन, पुलिस ने हमारे तीन अड्डों पे छापा मार कर कब्जा कर लिया है। हमारे दो आदमी मारे गए हैं और पुलिस इधर आ रही है। ये सब कैसे हुआ रंगा? ये सब कैसे हुआ? पुलिस, पुलिस इधर आनी। लेकिन हमारे बच्चे का क्या होगा? कैप्टन, उसे दूर भेज देना चाहिए। लेकिन कहाँ? किसी दूसरे मुल्क में। अच्छा अच्छा, तालीम भी हासिल कर लेगी और हमारी असलियत भी उस पर जाहिर नहीं होगी। ठीक है, तुम उसका इंतजाम करो। जाओ। ये रास्ता क्यों बंद है? बेटे, बहुत अच्छे। क्यों आए हो यहां? तुम्हारे बच्चे को उसका हक दिलाने हैं। देखो जानकी, अगर तुम चाहो तो हम दोनों कैप्टन को जिंदगी भर उसी तरह नाचना चाहते रहे जिस तरह अभी अभी तुम्हारी बच्ची नाच रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो? बहुत कुछ। मैं कहूंगा, सिर्फ तुम सुनोगी। अगर तुम्हें मेरी चाल पसंद आ गई तो वादा करो तुम जिंदगी भर उसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। वादा करती हूँ। कैसी बातें कर रहे हो इंस्पेक्टर भैया? इनको समझाने के बजाय उल्टा खतरे के मुंह में धकेल रहे हो। खतरा कैसा भाभी? और नहीं तो क्या, जब से गांव सुधार में लगे हैं न जाने कितने लोग इनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। आशा, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वाह इंस्पेक्टर, इंसान दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आता बल्कि दूसरों को जीने का अंदाज सिखाने के लिए आता है। मरना तो सभी को है दुनिया में, कौन हमेशा जिंदा रहता है? राम अवतार लेकर आए थे दुनिया में, वो तो भगवान थे लेकिन वो भी ना रहे। इंस्पेक्टर, इंसान वो है जो मरने से पहले अपना फर्ज निभा जाए। इंस्पेक्टर, ये बस्ती जिसे लोग काली बस्ती कहते हैं, गुनाहों की स्याही ने इसे काली बस्ती का नाम दिया है, लेकिन एक दिन ये स्याही छट जाएगी और ईमान का सूरज यहां निकलेगा। मैं न रहूं, आशा न रहे, आप न रहे, लेकिन मेरा बेटा जरूर रहेगा। मुझे विश्वास है, जो काम मैं पूरा नहीं कर पाया उसे मेरा बेटा जरूर। कैप्टन, ये सब कुछ सोशल वर्कर की वजह से हुआ है। पिताजी। हाँ बेटा। भगत सिंह को जब फांसी देने लगे थे तो उसे डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, वो देश के एक बहादुर सिपाही थे। जानते हो, डरने के बजाय आखिरी वक्त उनकी जुबान पर क्या था? खैर, मैं तुम्हें अभी सुनाता हूँ। Thank you.
ये क्या हो गया? डीएसपी साहब को क्या जवाब दिया? मुजरिम का पता चला? जी नहीं, मुझे किसी भी हालत में वो मुजरिम चाहिए। आज तक मैं अपने फर्ज को निभाने के लिए अपने जिंदगी के साथ खेलता रहा। जिस किसी भी मुजरिम का नाम मेरी फाइल में आया, मेरी हथकड़ी जरूर उसके हाथों तक पहुंची। और कोई भी मुजरिम वो हथकड़ी तोड़कर भागने में कामयाब नहीं हो सका। तुम लोग बरसों की कमाई भी मेरी इज्जत को खाक में मिला दोगे। जानते हो अगर ये मुजरिम पकड़ाने गया तो क्या होगा? ये वर्दी और फीते नहीं रहेंगे, समझे? कौन हो तुम? जिसकी आपको तलाश है, शाका। अपने साथियों से कहिए कि मेरे रास्ते में ना आए। गोली नहीं चलेगी, गाड़ी चलाइए, वरना मैं गोली चला दूंगा। गाड़ी रोक लीजिए एसपी साहब। यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए। छोड़ो, नहीं तो गोली चला दूंगा। चलाएंगे कैसे? गोलियां तो मेरी जेब में है। बड़ी तकदीर वाले हो शर्मा जी, अच्छी बहू मिली, अच्छा घराना मिला और अच्छा दहेज भी मिला। दहेज दहेज का नाम ना लो गोकुलनाथ जी, ये बड़ा ही खतरनाक इलाका है। किसी डाकू को पता चल गया तो गजब ही हो जाएगा। कैसी बातें करते हैं शर्मा जी, बस में तो सब अपने ही आदमी हैं। चोर डाकू यहाँ आएगा कहाँ से? क्या हुआ ड्राइवर साहब, बस क्यों रोक दी? तुमने डाकुओं का नाम लिया, डाकू आ गए। डाकू? कहाँ डाकू? बंदा हाजिर है। बेटे, नवी शादी हुई है ना तेरी, इस वास्ते खाली पिस्तौल उड़ाया है, नहीं तो पिस्तौल और हाथ दोनों उड़ा देता। चल तू भी उधर नीचे। नई नवेली दुल्हन के जिस्म पे किसी गैर मर्द का हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए बेहतर है कि खुद ही इसकी जेवर उतार के दे दे मेरे को। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर तू मेरा नाम जानता तो ना करने की हिम्मत नहीं होती तेरे में। मेरा नाम शाका है। शाका? शाका तो यहां लेटा हुआ। ये नकली शाका कौन आ गए यहां पर? दे दे बेटा, दे दे उतार के सेवर। नहीं नहीं पिताजी, नहीं। कौन है तू? शाका। शाका? मैं ऊपर आराम से लेटा हुआ था, लेकिन जब तुमने कहा मैं शाका हूं तो मुझे झटका लगा। सारी दुनिया तो मुझे शाका के नाम से जानती है, ये नया शाका कहां से पैदा हो गया? अच्छा 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 अच्छा, तो तू शाका है? बिल्कुल भाई, चाहे तो पुलिस से पूछवा कर देख लो। अब देखो ना, तुम्हारा नाम भी शाका है, मेरा नाम भी शाका है, ऐसा कैसे चलेगा? नाम एक है तो आदमी भी एक होना चाहिए। एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हा? न तलवार रहेगी, न शाका रहेगा, खाली कसम भाई रहेगा। बहुत खुशी हुई आप। देखिए ना, आपके हाथ में ये रिवॉल्वर, आपके चमचों के हाथ में इतनी लंबी लंबी बंदूकें, बात कुछ जमी नहीं कासम भाई। ऐसा जम जाएगी प्यारे, देख तो सही, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह। ले बेरुस्तम पकड़। अच्छा बेटा, हमसे ही बेमानी?
क्या बात? क्या नाम बोला था? हाँ रुस्तम। ये लो रुस्तम। कमिश्नर साहब, पिस्तौल तो भागने वालों पर तानी जाती है, अपने अब आने वालों पर नहीं। आपको एक शाखा की तलाश थी, मैं तो दूसरा भी ले आया हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये नकली शाखा है। आज तक जितनी भी ट्रकें बसें लूटी गई हैं, सब इसी का कारनाम है। इसका असली नाम कासम भाई है। मेरे साथ साथ आप इसे भी गिरफ्तार कर लीजिए। चलो। शाखा, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। चलो चलो। हाँ मैं भी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। अरे जब आ रहे आज मैं रोटी नहीं दूंगा, मैं रोज भूखा रह जाता हूँ। अरे मरने का इरादा है क्या? अरे जग्गू दादा को ना कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं नहीं दूंगा रोटी, मुझे बहुत भूख लग गया। दूसरों की रोटी छीनने वाले को सरकार और शाखा दोनों माफ नहीं करते। जब किसी का पैर जग्गा के हाथ पे आ जाता है ना, तो जग्गा उसे इतना मारता है कि उसकी आने वाली नसें भी लंगड़ी और लूली पैदा होती है। अरे ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? आप कुश्ती लड़ रहे थे साहब, इंडियन स्टाइल। आप भी बैठे ना, बड़ा मजा आ रहा था। शट अप, इंडियन स्टाइल। ले चलो दोनों को। काले खान, शंभू दादा, अब्दुल करीम। शाखा भाई, क्या है बे? जब भी ये साला मिलने का दिन आता है ना, अपन को बड़ा रोना आता है। तो फिर रो ले, दिल हल्का हो जाएगा तेरा। अरे यही तो अपना दिल उल्टे स्टाइल का है। साला अपन रोता है तो दिल हल्का नहीं होता और भारी हो जाता। देख अपन दोनों का कोई नहीं है ना, तो फिर एक काम करते हैं, अपन दोनों आपस में मिलते हैं। हाँ, तू मेरे से पूछ, मैं तेरे से पूछता हूँ, साला टाइम पास हो जाएगा। अच्छा तो फिर ये बता, तेरा बाप कौन था? मेरा बाप? यही तो साला मालूम नहीं। अबे माँ का तो पता होगा तुझे? माँ तो शायद थी नहीं। तो लल्लू क्या तू आसमान से टपका था? अबे साले ये क्यों नहीं कहता कि तू हराम की औलाद है? कर लिया टाइम पास। सीमा, अरे तुम्हारा मंगलसूत्र मुन्ने की दवाओं के लिए बेच दिया। क्या? अपने सुहाग की पवित्र निशानी बेच दी? तुम सारी जिंदगी दूसरी औरतों की सुहाग की निशानियां चुरा कर बेचते रहे, क्या वो पवित्र नहीं थी? आज तुम्हारी अपनी बीवी ने उसे बेच दिया तो तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? माँ कैसी है? माँ की बीमारी का क्या हाल है? माँ को सब बीमारियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। क्या? तड़प तड़प की मरी है बेचारी। माँ मर गई मेरी, मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई। मरते मरते बेचारी की जबान पे यही था, भगवान मेरे बेटे की गुनाहों की सजा मुझे दे दे, उसे माफ कर दे। मैंने माँ को मार डाला, मैंने माँ को मार डाला। मैं पापी हूँ, मैं खूनी हूँ, सुन रहे थे? मैं पापी हूँ। सुन मेरे
अपने बड़े बेगाने हैं। सुन मेरे यार दुनिया वाले अपने बड़े क्या है, चलता है ना?
जान। अरे बाबा तू ऐसा रोएगी तो मेरे से तो जाया नहीं जाएगा। हंसना। अरे तू कासम भाई की बहन है साला, कासम भाई जिधर से गुजरता है मोहल्ले का मोहल्ला खाली हो जाता है और तू रोती है क्लास। अरे 6 महीने का क्या 15 दिन में गुजर जाएगा। और सुन, सब दुकान से जाके बिंदास माल लेना क्या, कोई साला होशियारी करेगा पेट फट डालूंगा उसका। अरे क्या बोलता हूँ, अरे रोती क्या है, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, बोल। अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। अरे तू ऐसा रो के बोलेगी तो अल्लाह मैं बहुत मारेगा, हंस के बोल। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। शाबाश। अच्छा मैं चलता हूँ, ये देख कैसा घूर के देख रहा है, चल भाई चल, ऐसा देखता जैसे कच्चा खा जाएगा। अरे शाका कब आया ससुराल से? अरे चाची कितनी देर से सीढ़ियों पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आपकी बहुत दिन लगा है ससुराल में। क्या है कि चाची कि मेरा ससुर बहुत सख्त आदमी है, इस बार आने का चांस ही नहीं दे रहा था, आखिर टाइम पूरा करके ही आना पड़ा। ये बता दिन कैसे कटे? बात यह है कि मेरे ससुराल वालों का टाइम टेबल है, जितने दिन वो कहते हैं ना उतने दिन वहां रहना पड़ता है। तेरे कोई साले सालियां भी हैं? हाँ सालियां तो नहीं है लेकिन साले बहुत हैं, इतने की गिनना मुश्किल। सुबह परेड करवाते हैं, चक्की पिसवाते हैं। ये तेरे ससुराल वाले हैं या पुलिस वाले? वही तो। क्या? मेरा मतलब है कि सबके सब पुलिस में है। इस तरह तो कब तक ससुराल आता जाता रहेगा, ऐसे क्यों नहीं करता, बहू को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता? अरे चाची मेरे ससुर का बस चले ना तो मुझे घर जमाई बना कर रख ले। नहीं नहीं ऐसा मैं तुझे कभी नहीं करने दूंगा। अरे नहीं चाची नहीं, तेरे बगैर तो मैं ससुराल तो क्या स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जब सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था, जब मैं अकेला बेसहारा। हाय राम, कौन हो तुम? चल बेटे अंदर चल। मंदिर में एक स्वामी जी आने वाले थे, उन्हीं के दर्शन के लिए गई थी, कल मैं तुझे भी वहां ले जाऊंगी। अरे चाची मैं किसी स्वामी के दर्शन करके क्या करूंगा, मैं तो तेरे दर्शन करके ही समझ लेता हूँ कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। अरे शाका बेटी, इतने दिन कहाँ थे तुम बेटा? और कहाँ जा सकता हूँ मास्टर जी, रह देकर दुनिया में एक ही रिश्तेदार तो रह गए, मेरे ससुराल। तो बेटा उनको यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? नहीं मास्टर जी, अब कुछ दिनों के लिए जाता हूँ तो बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा कर आता हूँ। अच्छा अच्छा, ये बेटा देखो एक मेरा काम कर दो, देखो कितनी मुश्किल से मैंने स्कूल के लिए ये चंदा जमा किया है, इनसे मुझे 2 पंखे खरीद के ला दे बेटा, ये इन मासूम बच्चों का गर्मी में बुरा हाल होता है आजकल। क्या कहा था? Can you repeat it? I said idiot. Shut up. ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू मीना, गॉड ब्लेस यू, एक दिन तुम अपन का नाम जरूर चमकाए। अरे नाम का क्या बात करता है जॉन अंकल, एक दिन तो हम तुमको चमका डालेगा। ना ठीक है, अरे अपन इस बुढ़ामर में आप क्या चमकेगा, चमकने का टाइम तो अब तुम्हारा है। ये तो सब तुम्हारा मेहरबानी अंकल, तुमने हमको डांस सिखाया, लड़ना सिखाया। अरे वो तो कोई पन सीख, पर मोटरसाइकिल का ऊपर बैठकर हाथ चलाकी का धंधा तो तुम 2 महीने में सीख गया, उसको देख के अपने को भी शर्म आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको ये ट्रिक सीखने को 5 बरस लगा था। सॉरी अंकल।
अच्छा बेटे, तुम गरीब बच्चों का ध्यान रखते हो, भगवान तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखेंगे। मनुष्य को उसके पाप और पुण्य का हिसाब इसी दुनिया में मिल जाता है। अरे, लेकिन स्वामी जी, इंसान तो कदम कदम पर पाप करता है। जैसे चलते चलते इंसान के कदमों के तले कई किस्म के कीड़े मकौड़े दबकर मर जाते हैं, उसकी कार के नीचे कई किस्म के जानवर आकर मर जाते हैं, क्या उनका हिसाब भी इंसान को इसी दुनिया में चुकाना होगा? नहीं बेटे, नहीं। अनजाने में किया हुआ पाप पाप नहीं कहलाता, भगवान उसे अवश्य माफ कर देता है। अरे वो बहुत दयालु है। मनुष्य सारा जीवन पाप करता रहे, सिर्फ एक बार उसके सामने सच्चे दिल से माफी मांग ले तो उसे वो अवश्य माफ कर देता है। बस स्वामी जी बस, आपने तो मेरी धारस बांध दी, मेरे मन को शांति दे दी। जय हो स्वामी जी, जय हो, आप महान है। खबर भी तो मजे की लाया, मोटरसाइकिल पर बैठ के पॉकेट मारने का कर्तव्य तो तुमने हमको दिखा दिया, लेकिन डांस करते हुए किसी के गले से लाखों का हार मारो तो मानू। लाखों का हार किसके गले में? सेठ धर्मदास की बेटी के गले में। वो 16 बरस बाद इंग्लैंड से वापस आई है, वो इस खुशी में पार्टी दे रहा है, और वो पहली बार लाखों का हार पहनकर इस पार्टी में आएगी। और आपके शाबाश, जाओ तैयार हो जाओ। कैप्टन, कल तेरी पार्टी में तेरी ही बेटी नाचेगी। वेलकम 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 बेटी। मीना को सबसे इंट्रोड्यूस कराओ। ओके, आइए मीना जी। ये मिस्टर मिसेस दत्त। हेलो हेलो। मिस्टर एंड मिसेस गोपी गोदवानी। हेलो हेलो। मिस्टर एंड मिसेस पमन दास। हेलो हाय। मिस्टर एंड मिसेस टंडन। हेलो हेलो। और आप हैं मिस्टर मिसेस वालिया। हेलो। आप हैं सिराजी, आगरा निवासी। मुन्नाचिस के एक बुजुर्ग ने मोहब्बत के अजीम यादगार ताजमहल बनाया था, आपके लिए हकीर तोहफा पेश करता हूँ। ये किसकी तस्वीर है? कैसे लगी आपको? अच्छी है। क्या सिर्फ अच्छी? क्या इस तस्वीर को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तस्वीर तस्वीर नहीं, एक आपबीती है, एक सच्चाई है, कहानी नहीं? एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। चलो मैडम। चलो। माफ कीजिए मैडम, शायद आपने तस्वीर को गौर से नहीं देखा।
तस्वीर में लड़के के हाथ में खास किस्म की सीपियां हैं जो लड़की को बहुत पसंद थी। यही इस तस्वीर की नई बात है, पुरानी नहीं। तस्वीरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा था मिस्टर, आपका दिमाग तो ठीक है ना, मुझे तो कुछ दीवाने लगते हैं। चलो मीना। सच्चाई से कहानी का, नई से पुरानी का, दीवाने से जवानी का है क्या वास्ता? तेरा वो रास्ता मेरा वो रास्ता, तेरा वो रास्ता मेरा वो रास्ता। सुन बसरे की हूर, तेरा नहीं है कसूर, है जवानी का गुरूर, जरा बोल आस्ता। तेरा जो है रास्ता मेरा वो ही रास्ता, तेरा जो है रास्ता मेरा वो ही रास्ता। जीत से हार का, दुश्मनी से प्यार का है क्या वास्ता? तेरा वो रास्ता मेरा वो रास्ता, तेरा वो रास्ता मेरा वो रास्ता। पे कोई नाम न होता, आंखों में पैगाम न होता, हुस्न का कोई नाम न होता, इश्क अगर बदनाम न होता। नाज भरी नाजनी ओ हसीनों की हसी, कर मुझ पे यकीन जरा बोल आयशा। तेरा जो है रास्ता मेरा वो ही रास्ता, तेरा जो है रास्ता मेरा वो ही रास्ता। सच्चाई से कहानी का, नई से पुरानी का, दीवानी से जवानी का है क्या वास्ता? तेरा वो रास्ता मेरा वो रास्ता, तेरा वो रास्ता मेरा वो रास्ता। तुम्हें दिल चाहिए दिलदार चाहिए, इकरार चाहिए इनकार चाहिए, तकरार चाहिए मेरा प्यार चाहिए, ले ले मुझसे जो मेरे सरकार चाहिए। मुझे जिंदगी में ऐशो बहार चाहिए, एक अपना अलग संसार चाहिए, मुझे सोने और चांदी का अंबार चाहिए, मुझे चाहिए तो तेरे जैसा हार चाहिए, मुझे चाहिए तो तेरे जैसा हार चाहिए, मुझे चाहिए तो तेरे जैसा हार चाहिए। Let's go.
और चला। तेरे काम करने का स्टाइल मुझे पसंद आया। सबकी आंख में धूल झोंक कर पतली गली से निकल गई। अरे स्टाइल तेरा भी कोई कम नहीं, क्या मोटर बाइक चलाता है। मैं तो कहती हूँ सर्कस में नौकरी कर ले, सुखी रहेगा। इतना बड़ा हाथ मारने के बाद नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? तो क्या तू चोरी करके भागा है? कोई खास चीज हाथ लगी होगी तेरे? तेरे या मेरे, तेरी एक अदा ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। हाथ मारने से पहले वार्निंग भी दे देती। कैसी वार्निंग? ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। ऐसे 50 नाटक में खेल चुका हूं। चलो जल्दी से हार निकालो। कैसा हार? क्या तुम मुझे चोर समझते हो? देखो बेबी, मुझे मालूम है तुमने हार कहां छुपा रखा है। मैं एक बहुत शरीफ आदमी हूं। अगर मैं अपने हाथों से वो हार लेने की कोशिश करूं तो तुम्हें 1000 वोल्ट का झटका लगेगा। जल्दी से हार निकालो। निकालती हूं देती हूं। ये लो। थैंक यू। देख क्या रहे हैं लालजी भाई सेठ, इसे खरीदने में तुम्हारी सारी जायदाद बिक जाएगी। अच्छा, क्या कीमत होगी इसकी? 80 रुपये 12 आने। नकली है भाया, नकली। ये गोली तुमने चलाई है? जी, बात यह है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा। इसने मुझ पर हमला किया था। मैं तो ये भी नहीं जानता कि कौन है। तुम्हें जो कुछ कह रहा है पुलिस स्टेशन चल के कहो। प्लीज आओ मेरे साथ। हवलदार सर, ये बॉडी भी ले चलो। यस सर। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो ये सरकारी पुलिस नहीं, चोर बाजारी पुलिस है। हेलो। ओ गंजे जी, तो आप मरे नहीं? अच्छा अच्छा, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं? समस्या गंभीर है। अच्छा बच्चू, मुझे धोखे से यहाँ ले तो आए। अगर मुझे वहीं पता चलता कि ये वर्दी किराए की है तो ये वर्दी जूता चड्डी वहीं उतार कर पूरे शहर में परेड करवाता। बहुत बोलता है। माफ करना शाका, तुम्हें यहाँ बुलवाने की तकलीफ मैंने की थी। सिर्फ वो हार मेरे हवाले कर दो, उसके बाद तुम बड़े आराम से अपने घर जा सकते हो। हार मेरे पास नहीं है। चाका, जैसे जैसे शराब मेरे हलक के नीचे से उतरती जाती है वैसे वैसे मेरा निशाना भी तेज होता जाता है। ये देखो शाका, ये फल है ना? इसे खाने के लिए जबड़े की जरूरत होती है। जब जबड़ा ही नहीं रहेगा तो इंसान की क्या हालत होगी? बेचारा कुछ भी खाने के काबिल नहीं रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत क्या है? आंख। अंधे को क्या चाहिए? आंखें, दौलत नहीं। क्यों शीतल? आप ठीक कहते हैं। आंख ना हो तो इंसान फिर भी जी लेता है, लेकिन अगर हाथ ना हो तो जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है।
जब मैं तो आंखें बंद करके भागते हुए आदमी का निशाना बना सकता हूं, मैं तीन तक गिनूंगा, और अगर उसके बाद भी तुमने हार का पता न बताया तो तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों के पीछे गोली ऐसे निकल जाएगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक, दो, ठहरो, मैं बताती हूं। हार उस टोपी वाले के लेफ्ट पॉकेट में है। मेरी जेब में? मेरी जेब में हार कहां से आएगा? झूठ बोलती है साहब, प्रेमला मुझे फंसाना चाहती है। मेरे भगवान कैसे मुझे इस हार के बारे में कुछ नहीं मालूम, भगवान कैसे मुझे कुछ नहीं मालूम। यार चोरी मैंने नहीं किया, नहीं किया, भगवान कैसे मुझे कुछ नहीं मालूम। इसका कसूर नहीं है, तलाशी लेते वक्त मैंने खुद इसकी जेब में ये हार रख दिया था। एक्सेलेंट, वंडरफुल, बहुत काम की लड़की हो। रघु, इस लड़के को जाने दो। जी। इसे हमारे पास ले आना। तो मैं पुलिस क्यों ले गई थी? चाची, वो सब ढोंग था। ढोंग था? या तो आज तक मेरे साथ ढोंग करता रहा? क्या मतलब? ऐसा लगता है तू मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझसे कुछ छुपा रहा है। नहीं चाची। नहीं? अब तो मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि शाका क्या करता है, इतने दिनों तक कहां गायब रहता है। चाची, याद रख शाका, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन पाप और बेईमानी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानता है, मैंने सुहागन होते हुए भी विधवा की जिंदगी गुजारी, लेकिन अपने उस पापी पति के पास कभी लौट कर नहीं गई। शाका, शाका, मैंने तुम्हारे दामन पे गुनाह का एक छींटा भी देखा तो मैं समझूंगी तुमने मेरी ममता और प्यार का गला घोट दिया है, मुझसे धोखा किया है। नहीं चाची, मैं सारी दुनिया को धोखा दे सकता हूं, भगवान से झूठ बोल सकता हूं, तुझसे नहीं बोल सकता। वो लोग पुलिस वाले नहीं थे, 420 फरेबी थी। वो लोग मुझे जबरदस्ती धोखे से ले गए। तेरे चरणों की सौगंध, मैं सच कह रहा हूं चाची, सच कह रहा हूं। शाका, अच्छा शाका। कैसे नहीं मिलता मीना जी, प्रेम की आंखें बहुत तेज है, वो शरीर से आत्मा को ढूंढ कर निकाल सकती है, तो हार कौन सी बड़ी बात है। मैं खुद हार लेकर आपके पास पहुंच रहा हूं और अपने हाथों से हार आपके गले में पहनाऊंगा। इस बहाने दो बातें भी आपसे करने का मौका मिल जाएगा। हेलो, हेलो, ये टेलीफोन कैसे बंद हो गया? अभी तो सिर्फ टेलीफोन बंद हुआ है, कुछ देर बाद तुम्हारी आवाज बंद हो जाएगी। तुम ही क्यों? शाका अपनी मर्जी का मालिक है, जो जीव में आया करता है, जहां जी में आए पहुंच जाता है। शाका को रोकने वाला दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। तुम्हें आजाद कर दिया था। आजाद तो कर दिया था, लेकिन जाने से पहले तुमने अपने निशाने की कुछ कमाल दिखाए थे। सोचता हूं जाते जाते मैं भी कुछ नमूने दिखाता जाऊं। तुमने तो सारे कमाल एक गुड़िया पर दिखाए थे, लेकिन मेरी गुड़िया तुम बनोगे। तेरी तो वाह बच्चियों, तुम्हें तो पीकर चढ़ती है, लेकिन मुझे तो बिना पिए चढ़ती है। ये सिगरेट लो, लो।
इसे अपने होठों से लगाओ, लगाओ नहीं तो सिगरेट समेत उंगली उड़ा दूंगा। अगर ये होठ न रहे तो तुम्हारा ये मुंह जिस पर तुमने ये सिगरेट पकड़ा हुआ है न सिगरेट पीने के काबिल रहेगा न बड़ी बड़ी बातें करने के। तुम बड़े बुजदिल हो यार, जब तुम गोली चला रहे थे मैं तो मुस्कुरा रहा था, मैंने तो अभी तक एक गोली भी नहीं चलाई और तुम पसीने पसीने हो गए। शाका के सामने अभी तुम बच्चे हो। किसी भी और भी एक निकाल सकता हूं। तुम आगे बहुत स्मार्ट हो शाका, मान गए ना, तो इसे भी लो। इस नकली पिस्तौल ने तुम्हारी असलियत खुलकर रख दी कि तुम कितने बहादुर हो। You're really very very clever, Shaka. तुम आदमी को पहचान तो लेते हो लेकिन थोड़ी देर के बाद। देर के बाद ही सही, लेकिन पहचान तो लेता हो ना, तुम तो अभी तक मुझे पहचान नहीं सके। तुमने कहा था ना कि शाका अपनी मर्जी का मालिक है, जहां जी चाहे वहां चला जाता है, लेकिन यहाँ लोग मेरी मर्जी से आते हैं और मेरी ही मर्जी से जाते हैं। वेरी गुड, लाओ पहले वो हार मेरे हवाले कर दो। हाँ ये हार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। वेरी गुड, एक काम करते हैं शाका, जिसका हाथ उस हार पर पहले पहुंच जाए हार उसका, और जिसका हाथ नहीं पहुंचा वो दूसरे के रहम करम पर। बोलो मंजूर। मुझे अफसोस है कि तुम हार गए। हाँ, वो तो ठीक है शाका, लेकिन तुम एक बात भूलते हो, इस वक्त भी तुम मेरे कब्जे में हो, यहां से जाओगे कैसे? ये लो। ये सब तुम? अगर मैं हार ले गया तो उसके सामने तुम्हारी क्या इज्जत रही जिसके सामने तुम अपनी तारीफ के पुल बांध रहे थे? तुम आदमी काम के लगते हो, मेरे साथ काम करोगे? हम तो आजाद पंछी हैं, नौकरी करने के आदि नहीं। नौकरी करने के लिए कौन कह रहा है, मैं तो पार्टनरशिप के लिए कह रहा हूं। कितना दोगे? 20%। इतनी तो मैं बात करने की फीस देता हूं। तो फिर क्या चाहिए? 50-50। डन। Thank you.
चोर के घर में चोर। ये क्या हो रहा है? एक बात बताओ यार, कब से चोरी चकारी का धंधा कर रहे हो? काफी देर से। लगता है कोई बड़ा हाथ नहीं लगा आज तक। हाँ, अभी तक हाथ नहीं लगा। अरे ये तो मैं देख ही चुकी हूँ, पिछले 2 घंटे से सारा घर छान मारा है मैंने। सोने की तो क्या, चांदी की चीज भी हाथ नहीं लगी। तो तू यहाँ चोरी करने आई थी? हाँ? नहीं यार, आई तो थी तुझसे मिलने। बहुत इंतजार किया, बोर होने लगी, टाइम पास करने के लिए सोचा, देखते हैं कितना माल कमाया तूने आज तक इस धंधे में। तो तू किस खुशी में मुझसे मिलना चाहती थी? अरे यार, खुश तो मैं तब से हूँ जब से तुझे देखा है। अरे लाखों का हार कुर्बान कर दिया है तेरी जान बचाने पर, और सुन, वक्त आने पर जान भी कुर्बान कर सकती हूँ तेरे लिए। चुप है। जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेहरबानी करके मेरी प्रार्थना है आपसे कि यहाँ से आप किसको? ठीक है यार, आज के बाद नहीं मिलेंगे तुमसे। बहुत अच्छा हुआ तो बहू को ले आया। बहू? हाँ, मैं इसे रोज कहा करती थी बहू को घर ले आ, इस तरह रोज ससुराल जाना अच्छा नहीं, महीना वहां पड़ा रहता था। आज इसने मेरी बात मान ली। अरे चाची, तू गलत समझ रही है। मैं सब समझती हूँ, शर्म नहीं आती? बेचारी पहली बार अपने घर आई है और तूने साथ ही रुला दिया। हूँ, फिर कभी ऐसा किया ना तो मैं तुझे कान पकड़ कर घर से निकाल दूंगी, समझा? आओ बहू। लेकिन माँ जी। आओ ना, इससे बिल्कुल मत डरना। हूँ, चलो। शैतान की बच्ची, आज वो हार लेके नहीं आए तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। एक दिन तो उसे मारना ही है, फिर आज ही क्यों नहीं उसे मार डालूं? आज उसे मार डालूंगा, आज मार डालूं। आज सुबह बच नहीं सकेगी। अरे ओ बहू रानी, कहाँ चली गई? गुड मॉर्निंग। क्यों रे, बहू कहाँ है? बहू यहीं गई होगी। बहू जी, यहाँ तो कहीं नहीं, कहाँ चली गई? समझी, तू बहुत कठोर है चाची, तेरे मन में किसी के लिए प्यार नहीं। मैं भी हमेशा यही समझती रही कि तू मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करता है, लेकिन अब मैं समझी, तू वही करता है जो तेरे मन में आता है। नहीं चाची, नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। अगर तू मुझे अपनी माँ की तरह समझता है तो जा बहू को ले आ। लेकिन चाची, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर तू जिद्दी है तो मैं तुझसे 10 गुना जिद्दी हूँ। अगर तू बहू को नहीं लाया तो तेरी कसम मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। हाँ। चाची, गाय लाचारो दे, आज मंगलवार ही है, जो गाय को चारा देगा पापी दुनिया में पुण्य कमाएगा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? गाय को घास खिलाने, थोड़ा पुण्य कमाने। अरे भाग्यवान, कसम आटे दाल की, रुक जा। चारने का घास तो क्यों इसके पीछे पड़े हो? चाची, ये दाल का कंकर गाय दर्शन की बजाय बैल दर्शन करवा के हम सबका उल्लू बना रहा था। क्यों रे, लोगों को धोखा देते हो, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं माँ जी, मेरी बात सुन लीजिए। माँ जी,
मैं 3 दिन से भूखा था, मेरी जेब में एक थैला नहीं था और रास्ते में बीमार बैल मिल गया। दुनिया में ना उसका कोई आसरा था ना मेरा, वो भी भूखा था मैं भी भूखा था। माँ जी मैंने सोचा मेरी वजह से उसको घास मिल जाएगी और उसी घास की वजह से मैं 2 रोटी खा लूंगा। माँ जी मगर बेईमानी करने की क्या जरूरत थी? अबे दाल के कंकर, बैल को गाय बनाकर पैसे कमाता है, शर्म नहीं आती? माफ कर दे इसे, बेचारा गरीब है, दुनिया में पापी पेट के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है चाची, अगर तुम कहती हो तो छोड़ देते हैं। चलो भाइयों, चलो 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 चलो। बस बस खाना खाओगे? चलो आऊंगी। चलो क्या बोली तू? मी जानर, दूसरे की नाव में जानर। तेरे को शर्म नहीं आएगी? अपने घर वाले को छोड़कर जाएगी? अरे जा रे, काहे का घर वाला, कड़का साला, खाने को भाकरी नहीं, पहनने को साड़ी नहीं, घूमने को नाव नहीं, तू घर वाला बनता है? अरे अरे सुन 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 सुन, ला कर देगा, सब ला कर देगा, तेरी सब ला कर देगा तेरे को। ये शपथ तू पिछला बरस भी खाया होता। अब बस रे, कुत्ते की तरह कहकर दूसरे के मामले में टांग रहा था। अरे बरोबर मन तो तू है जैसा, अभी बग मैं तेरे को छोड़ के जाती, दूसरे के नाम में अपने गांव को जाती। अरे अरे अग भाई, अग भाई मैं के तू जाऊ न तो, अग भाई मैं के तू जाऊ न तो, बगमला सोडूं तू जाऊ न तो, बगमला सोडूं तू जाऊ न तो, अग भाई मैं के तू जाऊ न तो, अग भाई मैं के तू जाऊ न तो, बगमला सोडूं तू जाऊ न तो, बगमला सोडूं तू जाऊ न तो। चली हाथ अपना चुरा के मेरे जीवन की खुशियां चुरा के, क्यों चली हाथ अपना चुरा के मेरे जीवन की खुशियां चुरा के, किसकी नगरिया बसाने चली तू मेरे घर में ताना लगा के। हे अग भाई मैं के तू जाऊ न तो, अग भाई मैं के तू जाऊ न तो, बगमला सोडूं तू जाऊ न तो, बगमला सोडूं तू जाऊ न तो। मोती लगा दूं, तेरे जूड़े में कलियां सजा दूं, तेरी नथनी में मोती लगा दूं, तेरे जूड़े में कलियां सजा दूं, ऐसा मैं दूंगा तुझे प्यार अपना, ये मैके की दुनिया बुला दूं। हे भाई मैके तू जाऊ न तो, अग भाई मैके तू जाऊ न तो, बगमला सोडूं तू जाऊ न तो, बगमला सोडूं तू जाऊ न तो। ठहरो, क्या शोर मचा रखा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरा घर टूटने से बचा लो, मेरी बैगों में को छोड़कर जा रही है, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मेरी बोट खराब होगी और 2 दिवस लगना बनने को। काय रे काय बोल तो, 3 दिवस से तो मेरे को इधर बिठा के रखा है, माटी मीड़। अरे कहां से लाऊं नवी बोट, चोरी करूं डाका डालू बोट? चोरी करके डाका डाल, पर अभी तू मेरे को इधर से नहीं ले गया ना, उनका क्या होगा? अगर तुम्हारी बीवी भी ऐसा करेगी तो तुम्हारा दिल भी बोमड़ी मार के नहीं रहेगा। ठीक है, कहाँ जाना है तुम्हें?
अपन को अंबेगांव जाने। अंबेगांव चलो, हमारी वोट भी उधर ही जा रही है, चलो हम छोड़ देंगे। अरे बाबा, तू इंस्पेक्टर से बड़ा इंस्पेक्टर बन जाए, इंस्पेक्टर से कमिश्नर बन जाए। इसे प्रेम साहब ने भेजा है, माल संभाल लो। क्या वक्त गुजर जाने पर दिलों से प्यार भी मिट जाता है। तुम्हें इतना भी याद नहीं कि समुद्र के किनारे हम रेत के ढेर से घर बनाते थे और मैं तुम्हारे लिए सीपियां ढूंढ कर लाया करता था। मीना, मिल गई। मीना, मिल गई। मीना, हेलो मीना। अरे वाह, ये तो सब सीपियों में से बड़ी सीपी है। अब तुम्हारे पास कितनी हो गई? पहले तो 18 थी, अब ये दो मिला के 19 हो गई। क्या 18 और दो 19 के 20? 19। अजीब बुद्धि लड़की है, कितनी बार कहा है पहले के 18 और ये 19 और ये 20। अब याद रखना, जब भी मैं कहूँ 18 और दो कितने तो क्या कहेगी? 19। हाँ, बड़े बाप की बेटी हो ना, बहुत पढ़ लिख लिया है, लेकिन मेरे साथ खेलते वक्त तो गिनती भी नहीं आती थी। जब मैं पूछता था कि 18 और 2 कितने होते हैं तो क्या जवाब देती थी मालूम है? 19। मगर तुम्हें कैसे मालूम कि उसका जवाब 19 हुआ करता था? इसीलिए कि वो जवाब मैं ही दिया करती थी। चाची, ये खबर सुन, चोर ने 3 रुपए 12 आने देकर जान छुड़ाई। चोर ने पैसे क्यों दिए? बताता हूँ। एक आदमी जो 2-3 दिन से भूखा था कहीं जा रहा था, एक चोर ने मौका देखकर उसकी पीठ पर रामपुरी चाकू रख दिया और बोला, निकाल जो कुछ भी है तेरे पास। भूखा तो पहले दुखी था, उसने पलट कर वही छुरा झपट लिया और चोर की गर्दन पर रख दिया। निकाल तेरे पास क्या है, वो बोला। मरता क्या ना करता, चोर को 3 रुपए 12 आने देकर जान छुड़ानी पड़ी। उल्टे चोर ने पैसे दिए जान छुड़ाने के लिए। अजीब बात है। जेब कतरों की भूख हड़ताल, पुलिस परेशान। ओहो, तू चोर और जेब कतरों की खबर सुनाएगा या कोई अच्छी खबर भी सुनाएगा? ये सुन चाची, मुर्दा बैठ गया, डॉक्टर लेट गया। अच्छी खबर सुनाता हूँ, 16 साल के बाद बाप बेटी का मिलाप। वाह 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 वाह, चाची फोटो भी छपी है। अच्छा, जरा देखू तो। ले देख। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। ए, किधर जाता है? ए, मैम साहब, सुनो सुनो। मीना, मीना, मेरी बच्ची, तू कितनी बड़ी हो गई है? तू मुझे नहीं जानती। जब तुम मुझसे अलग हुई थी ना, तू बहुत छोटी थी। हाँ मीना, मीना। चलो ड्राइवर। मैं तो मीना। चलो मीना।
चाची बेटी ने पहचाना नहीं ना। नहीं चाची रो मत, तेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें गहरों पर मत लुटा। वो लड़की तेरी बेटी नहीं है। क्या वो मेरी बेटी नहीं है? हाँ चाची, अगर मैं तेरी 16 साल से खोई हुई बेटी तुझसे मिला दूं तो मुझे क्या देगी? जो मांगोगे दूंगी। अपनी खोई हुई बेटी को पाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी? अरे पगले, भगवान के मंदिर से मिला हुआ प्रसाद कोई फेंक सकता है? कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ मिली थी तुझे वो? चाची कुछ लोगों को मैं बचपन से तलाश कर रहा हूँ, जिनकी वजह से मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। उन्हें तलाश करते करते मुझे तेरी मीना मिल गई। ना चाची ना, यही तुम्हारी बेटी। बेटी, मेरी बेटी? नीना, यही है तुम्हारी माँ। माँ, मेरी बच्ची। माँ, बेटी, माँ, बेटी, मेरी बच्ची, बेटी, 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 तुझे उस दिन जब मैंने पहली बार देखा तो समझ न सकी कि मेरी ममता की आंसू बनकर फूट पड़े। शायद वो यही कह रही थी, गीता यही तुम्हारी बेटी है, इसे सीने से लगा लो, अपने आप में छुपा लो, ताकि ताकि दोबारा तुमसे इसे कोई छीन न सके। शाका, तो फिर वो लड़की कौन है? मम्मी। बेटी, तुम्हें कितने बार कहा है, जब तक काम पूरा ना हो जाए यहां मत आया करो। तुम समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ मम्मी, लेकिन तेरे बगैर मेरा वहां दिल नहीं लगता। सब गैर नजर आते हैं, न जाने क्यों वो घर मुझे अपना घर नहीं लगता। उस घर को अपना घर बनाने के लिए ही तुम्हें ये सब कुछ कर रहे हूँ। तुम अपने बाप के पास रहो, सही जगह पहुंच गई हो। उस घर से जब तक तुम्हारी डोली ना उठे तुम मुझसे मिलना नहीं। जो बेटी, तुझे मेरी कसम, मैं कहते हो जाओ बेटी, जाओ प्रेम, तुम समझते क्यों नहीं? हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, मैं शादी भी तुम्ही से करूंगी। वो तो ठीक है डार्लिंग, लेकिन तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो, क्या तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी मुझसे करने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्यों नहीं, प्यार के आगे दौलत कुछ भी नहीं। और फिर मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ ठुकरा के आ जाऊंगी। नहीं डार्लिंग, ऐसा मत करना, वो तो पुराने जमाने की बातें थी जब लैला ने मजनू के लिए अपना घर छोड़ दिया था। आजकल की लड़कियां घर से भागती भी हैं तो साथ में सामान लेकर आती हैं। तो इसका मतलब है तुम मेरी दौलत को चाहते हो? डोंट बी सिली डार्लिंग, मैं तो मौजूदा जमाने की प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। देखो डार्लिंग, मेरी नजर सिर्फ तुम पर है और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जानती हो, बचपन से मेरी एक ही आदत रही है, मैंने जिंदगी में जब भी किसी को चाहा है उसे हमेशा हासिल करके ही छोड़ा है। आई लव यू। अभी नहीं, शादी के बाद। शादी होने तक तो अपनी घंटी बच जाएगी। लो, बच गई घंटी। कौन उम्र का पत्थर इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा है? हेलो, कौन है? स्वामी जी, माफ कीजिएगा स्वामी जी, मैंने तो घर का नौकर समझा था, मैं अभी हाजिर होता हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी। नमस्कार,
जगत छवि छाजत पूर्ण चंद सरद रैन उजियारी अति प्यारी निरखि जोग जुगति जागरण जनहित बजाई बजाई मुरली अखंड मंडल जय गुरुदेव। जय हो स्वामी जी, जय हो जय हो। उठ बच्चा उठ, हमारे आगे शीश नवाने से क्या लाभ, हमारे गुरु की शरण में उन्होंने हमें भेजा है, वरना तेरा सर्वनाश हो जाता। हाँ, जो कन्या अभी अभी सफेद वस्त्र धारण किए तुझसे प्रेम कर रही थी, उसका मन काला है, उसका रोम रोम मधुशाला है जी? हाँ, उसके अंग अंग में विष भर रहा है, विष। स्वामी जी, वो तो मुझसे प्रेम करती है, हम दोनों शादी करने वाले। मूर्ख, कल के बाद अगर उस कन्या की छाया भी तुझ पर पड़ी तो तू भस्म हो जाएगा, तेरा घर बार जल जाएगा और तू सड़कों पर भीख मांगेगा। आप क्या कह रहे हैं? हम कहां कह रहे हैं, ये तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं। जय गुरुदेव। उन्होंने कल रात स्वप्न देखा और हमें तुम्हारी तरफ भगाया और हमने आकर तुम्हें जगाया। जय गुरुदेव। इधर से बताते जी, गुरुजी, गुरुजी सब कहां हैं? बच्चा, आंखें मूंद ले, गुरुदेव अपने आप नजर आ जाएंगे। स्वामी वो तो ठीक है, लेकिन गुरुजी सब कहां ठहरे हुए? बच्चा, हमारे गुरुदेव काली टीकरी के मंदिर पर विराजमान है। सारस गला विराजत छवि छाजत पूर्ण चंद सरद रैन उजियारी अति प्यारी निरखि जोग जुगति जागरण जनहित बजाई बजाई मुरली अखंड मंडल। क्या बात है, अरे तो परेशान क्यों हो? एक अजीब अजीब उलझन में पड़ गया। ये तो स्वामी जी आए थे ना, इनके गुरु जी ने कहा है कि अगर मेरी शादी तुमसे होगी तो मैं विवाह हो जाऊंगा। क्या, और तुमने उसे मान लिया? ये स्वामी वामी सब पाखंडे होते हैं प्रेम, जरूर उसका कुछ मतलब होगा तुमसे। ऐसी बातें मत करो, लेकिन मेरे मन में एक शक सा हो गया है, जब तक मैं उस स्वामी जी से नहीं मिलेता मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। तुम क्या मिलोगे उससे, मैं तुम्हें ले जाऊंगी और आज तुम्हें बताऊंगी कि ये लोग कितने ढोंगे होते हैं। चलो मेरे साथ और बताओ कहाँ है वो, चलो। रुक जा, वहीं रुक जा। महाराज, मैं तो आपका नाम सुनकर आपके चरण छूने आई हूं। असत्य, तुम हमारे चरण छूने नहीं, हमारी तपस्या के सीने में खंजर भोगने आई हो। लेकिन एक बात सुन ले कन्या, सुंदर नारी के स्पर्श से हमारी तपस्या भंग नहीं होगी, स्पर्श करने वाले का जीवन खुद भंग हो जाएगा। मोहब्बत बड़ी बेवफा है, जिसने की धोखा खाया, नींद गवाई चैन लुटाया, तौबा तौबा दिल न लगाना, झूठा है। जानता हूँ मैं होती है बेवफा, तू ही जरा बता किसका हुआ भला। एक बार तो मोहब्बत बड़ी बेवफा है, जिसने की धो I'm
दोस्ती मतलब का प्यार है, ये लालची जहां पैसे का यार है। अनमोल प्यार की कीमत न तू लगा, बिकती नहीं कभी बेशक तू आजमा। सुन शौक हंसी झूठे ना जल तो खास ही अंकल, आप तो जानते हैं जिस चीज को हासिल करने की मैं एक बार दिल में सोच लेता हूं उसे मैं तो उसे हासिल करके रहते हो, यही ना? जी अंकल। अच्छा बेटे, अब शर्माओ नहीं, ये बताओ क्या चाहते हो? वो अंकल, वो मैं आपकी बेटी का हाथ। फिर कभी भी मेरी बेटी का नाम तुम्हारी जबान पर आया तो मैं तुम दोनों बाप बेटों का नामोनिशान मिटा दूंगा। ये चांटा हमेशा तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाता रहेगा। आउट यू गो। अंकल, जब बड़ापा जवानी पर वार करता है तो जवानी बहुत आसानी से बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब जवानी बुढ़ापे पर वार करती है तो बुढ़ापा बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक तमाचा उसने बरसों पहले मेरे गाल पे भी मारा था। नहीं 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 कैप्टन, क्यों ना ये बच्चों का खेल हम रिश्ते में बदल दे। सत्यन, अपनी जबान खोलने से पहले जरा अपनी औकात देख लिया करो। आज उसने अपने कफन में दूसरी कील ठोक ली है, लेकिन बेटे चलबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना, वो बहुत ही खतरनाक और जिद्दी इंसान है। जिद्दी मैं भी कम नहीं हूं डैडी, उसे कह दीजिएगा प्रेम जो चाहता है उसे हासिल करके ही छोड़ता है। तुम नहीं जानती कि प्रेम क्या करता है। तुम्हें नहीं मालूम कि प्रेम उसका बाप कितने गरीब आदमी है, और तुम शायद ये भी नहीं जानती कि उसकी नजर तुम पर नहीं मेरी दौलत पर है, दौलत पर। ये गलत है, आपका वहम है, एक शरीफ आदमी पर झूठा इल्जाम है। दौलत के नशे ने आपको इतना पागल बना दिया है कि आपको हर आदमी छोटा नजर आता है। डैडी, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रेम से, वरना जहर खाकर जान दे दूंगी। ये क्या कह रही हो बेटी? खबरदार जो कभी जहर खाने की बात कही तो। जहर खाएं तुम्हारे दुश्मन। हेलो, यस स्पीकिंग। हाँ,
इतना बताइए कि आपने वो ऑर्डर कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे बेहद अफसोस है कि उस दिन गुस्से की हालत में मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। इट्स ऑल राइट अंकल, आई एम रियली सॉरी बेटे। क्यों प्रेम, ये गाड़ी तुम्हें कैसी लगी? जी बहुत अच्छी। गुड, तो ये लो चाबी, आज से इस गाड़ी के मालिक तुम हो। लेकिन अंकल। ओहो प्रेम, अब तुम पराये आदमी नहीं रहे, घर के हो गए। थैंक यू। क्या बात है इंस्पेक्टर? हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है, डिक्की खोलिए प्लीज। गाड़ी की तलाशी? जी हाँ। जो आप जानते हैं ये गाड़ी किसकी है? हम सब जानते हैं, जल्दी कीजिए। आप तो ऐसा सोच रहे हैं इंस्पेक्टर जैसे ये गाड़ी किसी स्मगलर की है। खोलिए। लीजिए ये अटैची, खोलिए। ओपन इट प्लीज। कैप्टन, आज तक मैं तुम्हारी हर ज्यादती बर्दाश्त करता आया हूं, क्योंकि हम बरसों इकट्ठे रहे, दोस्त रहे, लेकिन आजकल के लड़कों में बर्दाश्त करने का मादा बिल्कुल नहीं है, और इसलिए बचपन से मैंने प्रेम को हारने की आदत नहीं सिखाई। बहुत बेवकूफ हो तुम, बहुत बेवकूफ हो सकते। शायद तुम ये नहीं जानते कि जिस आदमी ने जिंदगी में हारना नहीं सीखा वो कभी जीत नहीं सकता, और इसीलिए देख लेना तुम्हारा बेटा प्रेम किसी दिन इस जीत की कोशिश में अपनी जिंदगी से हार बैठेगा और उसकी मौत का कारण तुम हो। तुम मौत से खेलने वाले मौत से डरते नहीं कैप्टन। मैंने तुम्हारी तरह पीठ पे वार करना नहीं सीखा और नहीं अपने बेटे को सिखाया है। मैंने उसे हमेशा यह कहा है कि बेटे अगर हिम्मत है तो सामने से वार करना सीखो। कसम पैदा करने वाले की कैप्टन, मेरा बेटा कभी पीठ पे वार नहीं करेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कैप्टन मैं आज तक तुमसे हारता आया हूं, लेकिन आज मेरी बारी है। आओ बेटे। मैं जानकी बोल रही हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ फोन मत किया करो। ये शाखा कौन है? बोलो क्या बात है। ये आदमी बहुत खतरनाक है, मुझसे मेरी बेटी के बारे में पूछ रहा था। शाखा? अरे अपनी जगह से नहीं ले। क्या बच्चे हो, लेट पड़ गई। कैप्टन की जिंदगी में ऐसा हुआ करता था। धर्मदास की जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। क्या पुलिस ने हमारा सारा माल पकड़ लिया है? देखो हमारा कोई भी आदमी पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। क्या बेटे? जिसका मुझे डर था वही हुआ। पुलिस ने हमारे गड्ढे पे छापा मार के सारा माल जब्त कर लिया है। ये सब हुआ कैसे? तुम्हारी बेवकूफी और चालाक की वजह से। अगर शाका हमारे साथ कुछ दिन और गैंग में रहा तो मैं और तुम दोनों जेल में होंगे और जिंदगी में चक्की पीसेंगे। लेकिन शाका ऐसा कभी नहीं। क्या कर सकता है ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। इससे पहले कि वो कोई हम पर अगला बार करे तुम्हें उसकी जुबान हमेशा अगले बंद कर देनी चाहिए। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। छोड़ गए बड़ू माचिस नहीं है। माचिस है क्या? क्यों सेठ, क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं। कासम भाई की बीड़ी बिना मतलब के कोई नहीं जलाता है सेठ। तुम्हारा नाम बहुत सुना है। इंडिया में नवा है क्या? क्यों साला, की दुनिया अपना काम देखे लाए और तू बोलता खाली नाम सुने लाए। काम ही तो लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं रे भाई, अभी छूट के आया हूँ, फिर अंदर भेजने लाए क्या? बहुत अर्जेंट काम है। किसी को लंबा करने का तो नहीं?
वही 50,000 दूंगा, 25,000 अभी, 25,000 काम हो जाने के बाद। और आदमी ये है, अरे अरे मेरा मालिक, तू सचमुच बहुत बड़ा बादशाह है। सारा जेल से निकल के सबसे पहले इसी को तो खलास करने का था, ये तो ऊपर वाले ने बोनस भेज दिया है। जा सेठ, आराम से जाके सो जा, कल तक तेरे को इसके खलास होने की खबर मिल जाएगी। निशाना गलत नहीं हुआ बिड़ो, मैंने जानबूझ के गलत मारा है, क्योंकि कासम भाई किसी की पीठ पे वार नहीं करता है। भाई बात है तुम्हारे कैरेक्टर में कासम भाई। पहचान लिया? पहचानूंगा कैसे नहीं, मेरी यादाश्त बहुत तेज है और मेरा चाकू से ज्यादा तेज है। शायद उस दिन की बात भूले नहीं होता। कासम भाई जब तक हिसाब चुकता न कर ले बात नहीं भूला करता शाका, कसम खुदा की ये दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं मैंने जेल में। चल निकाल चाकू। ये मेरी खुश नसीबी है कि तुम मुझे दूसरी बार सेवा करने का मौका दे रहे हो, लेकिन मैं दूसरों के हथियार से नहीं करता। ये भी ना बात। أشهد أن لا إله إلا अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, पर वो बादशाह नहीं चाहता कि अपनी तेरे साथ लड़ाई हो। शाखा को भी उसका यही इशारा मिला है कि कासिम भाई के साथ उसकी लड़ाई ना हो। तो आजा बड़ो। शाखा कौन है, कहां रहता है, उसकी जिंदगी में कौन कौन है, फौरन मुझे बताओ। उसे मजबूर कर दो कि वो मेरे कब्जे में आ जाए, और अगर वो जिंदा नहीं मिलता तो उसकी लाश को लेकर आओ, समझे? जाओ। क्या बात है शाका, ये लोग तुम्हें क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, क्या क्या है मेरे शाका ने? ये गुंडों और बदमाशों को एक बहुत बड़े ग्रोह में काम करता है, इस ग्रोह ने बहुत से कत्ल भी किए। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा शाका ऐसा नहीं है। हमारे पास सबूत है इसका, तभी तो पकड़ने आए हैं इसे। चलो ले चलो इसे। बात यह है कि मेरे ससुराल वालों का टाइम टेबल है, जितने दिन वो कहते हैं ना उतने दिन वहां रहना पड़ता है। तेरे कोई साले सालियां भी हैं? हाँ सालियां तो नहीं है, लेकिन साले बहुत हैं, इतने की गिनना मुश्किल। सुबह परेड करवाते हैं, चक्की पिसवाते हैं। ये तेरे ससुराल वाले हैं या पुलिस वाले? वही तो। क्या? मेरा मतलब है कि सब के सब पुलिस में हैं। आप लोग सोच रहे हैं मैं अंदर कैसे आ गया, कौन हूं, क्या हूं? मैं बड़े काम का आदमी, दोस्तों के लिए ढाल और दुश्मनों के लिए तलवार। मतलब की बात करो। तुम लोग कैप्टन के पर काटना चाहते,
और कैप्टन तुम्हारे पर करना चाहता है। अगर तुम मुझे अपने साथ मिला लो तो कैप्टन के पर तो क्या उसका सर भी काट सकते हैं। तुम कहने क्या चाहते हो? कैप्टन को मारने के लिए मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी सिर्फ धार देखकर कैप्टन सूखे पेड़ की तरह कटकर हमारे कदमों में गिर जाएगा, और वो हथियार है कैप्टन की अपनी असली बेटी मीना। कैप्टन की लड़की तुम्हारे पास है? मैं तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा मिस्टर मिस्टर जॉन। यस मिस्टर जॉन, वो लड़की तुम्हें लौटा दो, लेकिन मेरी दो शर्तें। कैप्टन के सारे खानदान का सफाया, ये होगा मेरी औलाद की मौत का इंतकाम, कैप्टन की दौलत का आधा हिस्सा। मिस्टर जॉन हमें मंजूर है। क्या मीना आप ही का नाम है? जी हाँ, क्यों क्या बात है? शाका का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कहाँ? चेंबूर में, उस वक्त वो गाड़ी में बेहोश पड़ा है, हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। चाची, आज मैं तेरा असली रूप देखने आई हूँ, जिस शैतान को मैंने अपना खून पिलाकर बड़ा किया, जिसने मेरी ममता का गला घोंट दिया, आज उसी की सूरत देखने आई हूँ। चाची तुम मुझे गलत समझ रही हो। खबरदार जो मुझे चाची कहा, तेरी सारी जिंदगी जेल में कटी और तू झूठ बोलता रहा, तो के बाद मैंने तुझे अनाथ समझकर सहारा दिया, कौन जाने तूने कितने बच्चों का अनाथ कर दिया होगा। चाची मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह पाला और तूने तूने मुझे ही बे औलाद कर दिया। आज तेरे ही पापों के कारण तेरे साथ ही मेरे बच्चे को उठाकर ले गए। मीना याद रखना शाका, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। चाची जिस दिन तुम्हें असलियत का पता चलेगा। असलियत? कैसी असलियत बताने यार, छुपा मत, देखा पुन तेरा दोस्त तेरे वक्त जान दे देगा, बोल। मुझे मालूम है कासम भाई, लेकिन अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तब तो ही नहीं मैं भी तुम्हारे साथ कहूंगा। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। अरे जियो मेरे दोस्त। कैप्टन ये है शाका की चाची, जिसे वो मां से भी बढ़कर समझता है। तुम आज इतने बरसों के बाद मिले भी तो उसी तरह गुनाहों के रंग में रंगे हुए। जमाना बदल गया लेकिन तुम नहीं बदले। और तुम कौन सी बदल गई हो? तुमने तो मुझसे भी बड़ा गुनाह किया है, अपने पति की जिंदगी को खत्म करने के लिए तुमने मेरे दुश्मन शाका को पनाह दी है, ताकि मौका मिलते ही वो मुझे खत्म कर दे और तुम अपनी पिछली जिंदगी का बदला उससे ले सको। पालने और मारने की ताकत इंसान के हाथ में कहाँ, सबसे बड़ी ताकत तो वो भगवान है। ये उसी का इंसाफ है जो तुम्हारे दुश्मन को मेरे घर में पनाह दी। ये तुम्हारे ही गुनाहों का फल है जो तुम अपनी इकलौती बेटी का प्यार भी नहीं पा सके। तू वक्त से पहले ही बुढ़िया हो गई गीता, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। बेटी का प्यार मैंने नहीं तुमने खोया है, मेरी बेटी तो मेरे साथ है जो अपनी माँ से बेहद नफरत करती है। ठीक ही तो करती है, वो मुझसे नफरत इसलिए करती है क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है। क्या बकवास कर रही है? जिसे तुम अपनी बेटी समझ रहे हो वो तुम्हारे किसी दुश्मन की चाल है। हेलो कैप्टन साहब, आपको अपनी धर्मपत्नी से यह तो पता चल ही गया होगा कि वो लड़की आपकी अपनी बेटी नहीं है बल्कि आपके दुश्मनों की चाल का एक मोहरा है। असली मोहरा यानी आपकी बेटी मीना मेरे कब्जे में है। तुम कौन हो? तुम आपके पुराने खादम का बेटा प्रेम। प्रेम
अगर आपने मेरी इस फरमाइश को पूरा नहीं किया तो मैं बड़े प्रेम से आपकी बेटी को भगवान के पास पहुंचा दूंगा। क्या चाहते हो तुम? बारात लेकर आना चाहता हूं, जहेज में आपकी सारी जायदाद, सारा रुपया, काला और सफेद हासिल करना चाहता हूं, और साथ में वो नकली मोहरा भी। कैप्टन साहब, आपका वो मजबूत हाथ जिसने मुझे और मेरे बाप को चांटा मारा था, उसी मजबूत हाथ की दो उंगलियों की जरा सी जुम्बिश, यानी कि तमाम कागजात पर दस्तखत करके सारा काम बहुत आसान हो सकता है। चौथा पैग पी चुका हूं कैप्टन, बोलो तैयार हो? मैं तैयार हूं। बाद में
रख रहे न बाकी ऐसा रंग जमाले। अगर ये मौका निकल गया तो, अगर ये मौका निकल गया तो मलता रहेगा। क्या मजाक है बरखुरदार? तुम बाप बेटे जिंदगी भर हमसे मजाक करते रहे और हमने एक ही मजाक किया और बुरा मान गए। तुम क्या समझते थे कि कैप्टन की बेटी की शादी इतने मामूली ढंग से होगी? इस मंडप के सूनेपन को देखकर ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि शादी नहीं मजाक है दूल्हे राजा। तुम कहना क्या चाहते हो कैप्टन? बड़ी सीधी सादी सी बात कर रहा हूं सत्यन। मेरी बेटी के दहेज में तुम और तुम्हारा बेटा मेरी सारी दौलत ले जाना चाहते थे। वाइस कैप्टन होकर कैप्टन को टोपी पहना रहे थे। तुम इस तरह नहीं मानोगे कैप्टन। बगा? यस सर। जाओ और इसी वक्त जाकर इसकी लड़की को गोली मार दो। जी। लड़की कहाँ है? मीना बेटी, उस लड़की की जिंदगी खतरे में है जो तेरी जगह तेरे पिता के पास रहती है। वो यहीं कहीं बंद है। क्या लड़की गायब है? तुम वाकई बच्चे हो प्रेम। अब तो तुम दोनों बाप बेटों का इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने का वक्त आ गया। हाँ, और साथ ही का भी, जिसने 16 साल तक हमारी बेटी बनकर हमसे और हमारे जज्बात से खेला। क्या प्रेम डार्लिंग, अब तो मानते हो ना कि बाजी कैप्टन के हाथ में है? जाओ जाकर उसको खत्म कर दो। जाओ। देखो कैप्टन, हर एक आदमी का यह हक होता है कि वो अपने आप को अकलमंद समझे, लेकिन उसे यह कभी हक नहीं होता कि वो दूसरों को बेवकूफ समझे। अब बताओ। राम राम राम। विवाह के इस शुभ अवसर पर यह अशुभ चीज हाथ में अच्छी नहीं लगती। लाओ मुझे दे दो, कहीं मैंने घोड़ा दबा दिया तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। दरवाजा खोलो। साथियों, आए तो थे ये लोग खुशियों का बाजा बजाते हुए, लेकिन रॉबर्ट, अब बैंड वालों से कहो कि मर्सिया बजाते हुए बड़ी इज्जत के साथ इन्हें अपने घर छोड़ आए। कैप्टन, अगर जिंदगी चाहता है तो मेरी बेटी मेरे हवाले करते हैं, वरना मैं यही सबको गोलियां मार मार कर छलनी कर दूंगी। बेटी? कौन सी बेटी? जिससे जन्म मैंने दिया है और जिसकी रगों में तुम्हारा खून है। तुमने मुझे ठुकराया, मेरी औलाद को ठुकराया। सारी दुनिया उसे मेरी नाजायज बेटी कहती रही, लेकिन ममता ने मुझे मेरी बेटी को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया। बता बता मेरी बेटी कहाँ है? बता मेरी बेटी कहाँ है, वरना। कैप्टन, तुमने जिस बेदर्दी से मेरे बेटे और बेटी को मौत के घाट उतारा था, आज उसका बदला लेने का दिन आ गया है। तुम्हारी दोनों बेटियां
तुम्हारी दोनों बीवियां और तुम यहां तड़प तड़प कर मरोगे और वहां मेरे बच्चों की आत्मा को शांति मिलेगी। चलो एक लाइन में खड़े हो जाओ। अब बोलो कैप्टन, बाजी किसके हाथ में है? हम आज कुत्ते, तुम और तुम्हारा बेटा भी लाइन में लग जाओ। चलो तुम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। आज मैं तुम्हारे खून से होली खेलूंगा और तुम्हारी मौत पर कह कह लगाऊंगा। जो लोग बहुत कहकहे लगाते हैं वो लोग मरने के बाद भी आंसू बहाते हैं, क्या समझा? ये मत समझना कि कासम भाई का निशाना पोकल है। खंजर अगर सीने पे मारता ना तो कसम खुदा की सुरंग बना के दूसरी तरफ निकल जाता था। मगर क्या है कि तू ये टपोरीबाज और फांदेबाज लोगों के साथ शरीफ लोगों को भी लपेट रहला था। मैंने तेरे को रोक लिया है क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, समझा? अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है ये नहीं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा बादशाह मैं हूँ। अब यहाँ खून की होली खेली जाएगी और उसमें सबसे पहला रंग तेरे खून का होगा। ये रंग तेरे को बहुत भारी पड़ेगा बड़ू, क्योंकि ये कसम भाई के खून का रंग है। कसम खुदा की जिंदगी उतर जाएगी मगर रंग नहीं उतरने वाला। अच्छा, अभी देखता। देख ले, शुरू हो जा फिर। तो बोल ले तू भी आखिरी बार, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। तूने हमेशा निहत्त पर वार किया है, देख ले मैं भी निहत्ता हूं। चला, दिल खोल कर गोलियां चला ताकि मन में कोई कसक न रह जाए। उस दिल कायर की औलाद, भाग भागता जा और गोलियां चलाता जा। आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी। कैप्टन, 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 आज तू दुनिया के आखिरी कोने में भी पहुंच जाएगा ना तो भी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, तेरी गोलियां तो खत्म हो गई, अब तेरी जिंदगी मैं खत्म करूंगा। पहचान, पहचान कैप्टन, इन छुरों को पहचान। इन पर 20 साल पुरानी कहानी लिखी हुई है। ये वो छुरा है जो तूने मेरी मां की कोख में भोग दिया था। हरामखोर, और ये वो छुरा है जो तूने मेरे बाप की पीठ में मारा था। न जाने कितने मजबूर और मासूम तेरे जुल्म से चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे। आज तू भी चीख, चिल्ला आराम जाने। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? कानून के रखवाले होकर खुद कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? मैं भूल गया था कि मैं एक ऑफिसर हूं। मैं अपने आप को भूल गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मां बाप की आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर अपना इंतकाम मांग रही हैं। अचानक मेरे अंदर उस बेटे ने जन्म ले लिया जो 20 साल से इस वर्दी के अंदर अपने इंतकाम की ज्वाला को छुपाए हुए था। जी, आई एम सॉरी ऑफिसर, ले जाओ इसे। ओके सर। कल तक कुली डंडे मारती थी, आज सलूट मार रही है। चक्कर क्या बशा? चाची,
तो मुझे हमेशा पूछती थी कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, और मैं ये कहता था कि मैं ससुराल जाता हूँ। दरअसल मुझे मुगी गैंग में घुसकर जुर्म को खत्म करने के लिए मुजरिमों का भेस अपनाना पड़ा। चाची, तेरे पति ने मेरे माँ बाप छीन लिए, लेकिन इसका इंसाफ यही हो जाता है। मुझे तुझ जैसी माँ दे दी। हाँ चाची, सलाम साहब। याद है कासिम भाई, एक दिन मैंने कहा था जब वक्त आएगा तो हम दोनों मिलकर कहेंगे अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है।